हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास का वीडियो नंबर थर्ड। इसका ये मतलब है ना कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इसके पहले मैंने दो वीडियो में प्रोवाइड किया है। एंड देखो, ये एक स्पेशल बुक है फोर्थ सेमेस्टर में, ये आपके 25 नंबर की बुक है। सो गाइज, ये आपको पढ़ना है, कंपलसरी है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा कि आप सिर्फ वीडियो देख के समझ जाओ। एंड ट्राई टू मेक योर नोट्स, अपनी नोट्स बनाने की कोशिश करो, बिकॉज चौथा सेमेस्टर के लास्ट में आपको इंग्लिश का भी बर्डन रहेगा, फिर पूरी की पूरी मैथ का भी बर्डन रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हार्ड हो जाएंगे, आपका साइंस हाई स्कूल लेवल का हो जाएगा, वो भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज प्लीज़, जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है? कभी इनको वो मत करो कि छोड़ के हम क्विट करके आगे निकलें, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज पढ़ना है सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। देखो, समझो, मैं इस पूरी चीज़ को ब्रीफ कर दे रहा हूँ। चूंकि हमें बच्चों के अंदर शांति शिक्षा यानी शांति का विकास करना है, वो कब होगा उसके लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी पिछले दो वीडियोज में, जिसने हमने पढ़ा था शांति की अवधारणा, ठीक है? अवधारणा पढ़ा था हमने, अवधारणा पढ़ा था, ठीक है? अवधारणा पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे शांति की अवधारणा के बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें आपका व्यक्तित्व का विकास आता है, व्यक्तित्व का स्वरूप आता है, गुण धर्म आता है, क्या होना चाहिए किसी इंसान का व्यक्तित्व, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, अगर कोई बच्चा है तो उसके आंतरिक संबंधों की समझ और आपसी संबंधों का विकास कैसे होगा। जैसे कंडीशन नंबर क में दिया गया है, बच्चों के विकास में उसके साथियों की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथी के संबंधों की विशेषता पढ़ेंगे कि साथी के संबंध की क्या विशेषता होती है। सामाजिक बोध पढ़ेंगे, किस तरह से बच्चे को सामाजिक बोध, मैं आपको बताऊं कि एक थियरी है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जिसमें आपका ज्ञान होता है, फिर बोध होता है यहाँ पे, फिर अनुप्रयोग होता है, संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है। तो ये पांच स्टेप हैं किसी भी ज्ञान को अर्जन करने का। फिर दिया गया आक्रात्मकता, आक्रामकता का चीज़ें दी गई हैं कि कैसे बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, देखो वो काफ़ी अट्रैक्टिव या कह सकते हो अटैकिंग हो जाते हैं। तकनीक एवं साथी संबंध, देखो सबसे ज़्यादा शांति शिक्षा की व्यवस्था कब होनी चाहिए, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है? तो वो देखो आपके इस एज में, क्या नाम है, जो युवावस्था होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं, वो हर चीज़ का डिसीजन तुरंत लेना चाहते हैं, और उसमें बच्चे बहुत सारे गलत कदम उठा बैठते हैं। जैसे हम लोगों के लाइफ में, किसी न किसी की लाइफ में कुछ ऐसे बहुत सारे गलत कदम हुए होंगे, ठीक है? तो इस तरह सी चीज़ों को आपको कनेक्ट कराना होगा कि उस समय शांति को कैसे बनाए रखा जाए, उसके मन में कैसे बनाए रखा जाए जिससे उससे गलत कदम ना उठे, ठीक है? फिर दिया है साथी संबंधों की विविधता एवं सामाजिक बोध, क्या बोध होना चाहिए साथी के संबंध का, उनकी क्या विविधताएं होनी चाहिए। स्वस्थ साथ संबंधों को बढ़ावा। अब इसमें हम पहले टॉपिक को देखते हैं जिसमें आपका लिखा गया है, तो सहपाठी संबंधों की समझ आपसी संबंधों का विकास तभी संभव हो पाता है जब बच्चे के प्रति अभिभावक अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करते हैं। अब देखो, अभिभावकों के दायित्व तो क्या हैं, अब ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं जरा समझना। यू आर एज ए प्रिंसिपल, अब आप सपोज करो आप एक प्रिंसिपल हो, तो आप अपने स्कूल में कुछ पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराओगे, ठीक है? कुछ ऐसी मीटिंग्स कराओगे जहां पे पेरेंट्स इकट्ठा होंगे, या कुछ इवेंट्स कराओगे, जैसे आपका हो गया 26 जनवरी, 15 अगस्त, वहां पे भी पेरेंट्स इकट्ठा होंगे, तो आप उन पेरेंट्स को इन दायित्वों के बारे में बता सकते हो। बिकॉज आप देखो, प्राइमरी के स्कूल में उस वर्ग के बच्चे आते हैं जिनके अभिभावकों को उनका दायित्व तक नहीं पता होता है, इसलिए हमें उन्हें बताना जरूरी है। आप किसी इंग्लिश मीडियम में टीचर बनने के लिए नहीं BTC कर रहे हो, आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए कर रहे हो, और वहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, और उनके अभिभावकों को उनका दायित्व भी नहीं पता होता, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि उनका दायित्व क्या है और हम उन्हें बता सकें, ठीक है? देखते हैं, पहला दिया गया है सामंजस्य की भावना विकसित करना होता है। किसी भी अभिभावक को सामंजस्य की भावना, इन द सेंस कि जो उस वर्ग के बच्चे होंगे, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो उनके जो अभिभावक होते हैं वो, उनके अंदर सामंजस्य नहीं होता है, किसी भी चीज़ में समायोजन बैठाने की क्षमता नहीं होती, वो लड़ जाते हैं, अभिभावक खुद ही लड़ जाते हैं। सुरक्षा की भावना को विकसित करना होता है, मतलब बच्चे को वो ऐसे, देखो ठंडी में उस वर्ग के बच्चे ठंडी में ऐसे बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, उनको ठंडियां नहीं लगती हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो बच्चे होते हैं उनको पैक करके रखा जाता है, ठीक है?
तो आपको उन बच्चों को सुरक्षा भी रखनी होती है। अच्छा, उन ही बच्चे ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ कुपोषित हो जाते हैं वो बच्चे, इसलिए उन बच्चों की सुरक्षा रखनी होती है, ठीक है। आत्मसम्मान बढ़ाना होता है, आत्मसम्मान बढ़ाना होता है कि आप हर जगह नहीं किसी से मुंह लगा सकते हो, हर जगह किसी को जवाब देना या हर जगह किसी को मुंह लगा लेना, ये सब बहुत गलत चीजें होती है, ठीक है। पता चले कि कोई कुछ बोल दिया तो आप उसके मुंह लग गए, तो इससे आपका आत्मसम्मान क्या होता है, छोटा हो जाता है। आप हर इंसान को मुंह नहीं लगा सकते हो, ठीक है। बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना को विकसित करना, ये होता है अभिभावक की भूमिका जो बच्चों के अंदर वो डाल सकता है, बिकॉज टीचर ज़्यादा देर नहीं कर सकता है। एंड आई सजेस्ट यू कि प्राइमरी के लेवल पे टीचर की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, बिकॉज बच्चे ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे आप ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हो जहाँ सब कुछ एकदम मेंटेन है, बच्चे ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे कुछ मेंटेनेंस नहीं है। सो इसलिए गाइज हमें ये ध्यान देना होता है एज अ टीचर कि हम बच्चों की फैसिलिटी यानी जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है उसको हम अवेलेबल बनाए रखें, विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने के योग्य बनाना चाहिए। देखो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे मनोभाव होते हैं जिन पे लोग खुल के बातचीत नहीं करते हैं, जैसे किशोरावस्था में बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे बच्चे खुल के बात नहीं करते हैं या बड़े खुल के बात नहीं करते हैं, तो बच्चे कई सारी गलतियाँ कर देते हैं जिसे बाद में बड़ों को ही उसको संभालना होता है। तो क्यों ना हम वो गलतियाँ करने के पहले उन बच्चों से ये सारी चीज़ें कंसल्ट कर लें। समझ में आ रही बात? मतलब एक मित्रवत व्यवहार करना, जिसे किशोरावस्था में कहा जाता है, वो होना चाहिए। असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करना है। बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों में जब वो बच्चे थोड़ा सा फेल हो जाते हैं तो उनके जो अभिभावक होते हैं वो उनको डांटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप सही मार्गदर्शन करो, कोई बात नहीं बेटा फेल हो गए, नेक्स्ट टाइम हम साथ मिल के अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह का बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए, तब आपकी शिक्षा का विकास बहुत अच्छे लेवल पे होगा। विपरीत परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं कि विपरीत परिस्थिति जब आपके सामने हो तो आप कौन सी निर्णय ले रहे हो, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, उसके बारे में बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभिभावकों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको समझाया क्यों होनी चाहिए, बिकॉज अभिभावक तभी समझेगा, ऐसे वर्ग से बिलोंग करता है जहां उसने खुद नहीं पढ़ा है तो उसे उतनी चीज़ें नहीं पता होती है। तो आपको जब मीटिंग करते हो तो आपको कंसल्ट करना होता है कि देखिए ये काम आप करिए, आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं तो हमारा दिया गया है, जब माता पिता अपने दायित्व तो सही ढंग से निर्वहन करते हैं तब निश्चित रूप से बच्चे आपसी संबंध का विकास होता है, बच्चों के आपसी संबंध का विकास होता है। जैसे पढ़ाई पर ध्यान देना, जब माता पिता निर्वहन दायित्व तो करेंगे तो बच्चा जो होगा वो पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। माता पिता परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करना, तो माता पिता एवं परिवार के साथ वो समय व्यतीत करना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद बड़ों का आदर और सम्मान करना उस बच्चे के लिए भी आसान हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने क्रोध और आवेगों पर नियंत्रण करना, इसीलिए शांति शिक्षा पढ़ाई जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके विपरीत परिस्थितियां जब हैं तो अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण करो, बिकॉज हो सकता है कि आपके उस एक कदम से कई लोगों का नुकसान हो जाए जिससे आपको लग रहा है कि सिर्फ आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। घर से बाहर अकेले देर रात तक न घूमना, जब माता पिता का दायित्व तो सही होगा तो बच्चा ऑलरेडी सही होगा, वो ये सोचेगा कि घर पे हमें जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट कि मम्मी पापा गुस्सा करेंगे या मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपस में मिलजुल कर रहना तथा समय पर उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब उस ऐसे वर्ग से वो बच्चे आते हैं जहाँ पे मम्मी पापा जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा देर रात तक खुद घूम रहे होते हैं, या इन द सेंस कह सकते हो कि पी के घूम रहे हैं या कुछ भी करके घूम रहे हैं, ठीक है, नशा करके घूम रहे हैं, तो बच्चा खुद सोचता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो सोचता है पापा तो खुद नहीं आ रहे हैं तो हम कहाँ से आ जाएं। तो ये सब चीज़ें, अब ये सब बदलाव लाने के लिए देखो हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। देखो कहा जाता है ना कि अगर हम ट्राई ना करें तो हमसे बड़ा कायर कोई हो नहीं सकता, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ अगर डेवलप आपके सामने हुई है, मोबाइल डेवलप हुई है तो ऐसे ही नहीं बन के सामने आ गई थी, आप जिस मोबाइल से देख रहे हो देखो उस मोबाइल को तो बन के सामने नहीं आ गई थी, उसको बनाने के लिए कुछ कोई ना कोई इंसान जो था वो इनिशिएटिव लिया था और ट्राई किया था, इसलिए आज वो मोबाइल सामने है। तो आपको कोई भी बदलाव लाना है तो आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। एटलीस्ट आज नहीं तो 10 दिन बाद नहीं तो 20 दिन बाद तो बदलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अपनी विभिन्न भाषा समस्याओं जिज्ञासाओं को माता पिता शिक्षक से
मिलजुल कर शांत करना तथा उनका निराकरण करना। जब आप बच्चे से के साथ समायोजन बैठा पाओगे तो आपको, आप खुद सोचो कि बच्चा खुद आपसे अपनी समस्याओं का निराकरण देगा। जब आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार करोगे तो बच्चा जो भी हलचले उसके मन में आवेगों में आ रही हैं वो आपसे बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए आपको। अच्छी पुस्तकें और साहित्य का अध्ययन करना, सांस्कृतिक क्रियाकलाप में भाग लेना, ये सब चीज़ों से एक बच्चे के अंदर शांति शिक्षा का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं तो दिया गया है, नैतिक विकास का मतलब इस तरह के आदेश देना नहीं है कि यह करो यह न करो, वरन इसके माध्यम से विद्यार्थी यह सीख लेता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दया क्या है, और व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में संसाझे हित में क्या उचित है। समझ में आया कि जब आप नैतिक विकास बच्चे का करवाते हो तो उसे खुद पता चलता है कि बेटा, उसे लगता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है। जैसे आप बच्चों को बार बार सिखाते हो कि किसी के सामान को चोरी नहीं करना चाहिए, तो जब कोई बच्चा उसके बगल में ये काम कर रहा होता है तो वो उसे समझाता है कि बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चे को आप बार बार सिखा दो बेटा दाल पीना फायदे की चीज़ है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, अगर आप दाल नहीं पीते हो या आप नहीं पी रहे हो या आप हो सकता है आपके, आपका भाई हो या आपसे छोटा हो या हो सकता है आपके भैया का लड़का हो, कोई भी हो, तो आपसे कहेगा कि दाल पीना बहुत फ़ायदे की चीज़ है, पिया करो, तो वो खुद ज्ञान देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि बच्चे को मौलिक यानी मॉरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि ये करो बेटा या ना करो, ठीक है। उसे आप ये सिखाओ कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, वो खुद सीख जाएगा, फिर वो आपको खुद कन्वर्ट करके बताएगा, ठीक है। आगे देखते हैं किस तरह के मौलिक कर्तव्य हमें सिखाने चाहिए बच्चों को, जो शिक्षक और अभिभावक सिखा सकते हैं। जैसा दिया गया है, परिवार, माता पिता, शिक्षक हमें कौन से नैतिक और मौलिक कर्तव्य सिखाते हैं। यहाँ नैतिक और मौलिक कर्तव्य या मानवीय मूल्य लिखा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, शुरू शुरू में हम अगर देखें तो विनम्रता से शुरू करते हैं, त्याग, आत्मसम्मान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से नैतिक और मानवीय मूल्य हैं जो हमें बच्चों को सिखाने चाहिए, तो देख लो 5-6 तो कम से कम याद होने चाहिए आपको। स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, मतलब अपने काम को खुद से करना। फिर दिया गया है श्रम निष्ठा, मतलब मेहनत से काम करना किसी चीज को। सत्य, सदाचार, अनुशासन होना, यानी टाइम टू टाइम से आना जाना, समयबद्धता हो गया वही। सहानुभूति हो गई, किसी चीज़ के लिए सहानुभूति आपके पास होनी चाहिए। परोपकार हो गया, माता पिता एवं गुरु की भक्ति हो गई। दया, हिंसा, ईमानदारी, दान, साहस, दृढ़ता, श्रद्धा भाव, ये सारे मानवीय मूल्य हैं जिन्हें हमें बच्चों के अंदर सिखाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंततः वास्तव में व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण में नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें अपने माता पिता, परिवार एवं शिक्षक के माध्यम से अपनाकर हम अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि उपरोक्त नैतिक मूल्य हमारे भीतर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्व निर्वहन करने में हम सक्षम हो सकते हैं। सोचो अगर इतने नैतिक मूल्य हर इंसान के अंदर आ जाए तो कितने अच्छे से चीजें डेवलप हो जाएंगी। सो इसीलिए आपको शांति शिक्षा की आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, दिया गया है, अतः शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से चीजें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला उत्तरदायित्व शिक्षक का क्या है कि एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करना, किसकी, बच्चों की, ठीक है, और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना होता है, ठीक है। ऐसा सिर्फ उसके हित में ही नहीं वरन समाज की भलाई के लिए भी है, ठीक है। इस तरह शिक्षक की तुलना माली से की जा सकती है। अच्छा अब ये देखो, शिक्षक की तुलना माली से की जा सकती है, इसका स्टेटमेंट फ्रॉबेल ने दिया था, जिसे कहा था कि स्कूल एक उद्यान की तरह है जिसमें शिक्षक एक माली है और बच्चे पौधे की तरह होते हैं, याद रखना फ्रॉबेल ने कहा था, ठीक है। जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों का बीज बोता है उसे ममत्व और करुणा के पानी से सींचता है और अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट्स बनाते समय आप नोट करो, बिकॉज शांति शिक्षा में अगर इस तरह से आप लिखोगे तो नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो उसने कहा है कि शिक्षक जो है वो ममत्व और करुणा के पानी से बच्चों को सींचता है और अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है, ठीक है। अच्छे शिक्षक शांति मूल्य के आदर्श होते हैं, जैसे इनमें सुनने की कला, गलती की पहचानने, देखो सुनने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, इन्हें एक बच्चे को सुनाया जा रहे हो,
गलती को पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होनी चाहिए। यद ये अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, चिंताओं को साझा करते हैं, ऐसे टीचर्स जो होते हैं, मतभेदों से परे एक दूसरे की समस्या को हल करते हैं। मतलब एक दूसरे की बुराई करने से अच्छा है कि एक दूसरे की समस्या को हल किया जाए। यदि ये शांति का उपदेश न भी दें तो अपने हाव भाव से शांति के लिए शिक्षा में दे शांति के लिए शिक्षा देते हुए प्रतीत होते हैं। सो टू बी लाइक दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शांति शिक्षा में शिक्षक का क्या महत्व है, तो ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो गाइज प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो, आप अच्छे अच्छे लोगों के पहुंचाओ, सारे बच्चों के पास पहुंचाओ, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। क्योंकि वो अगर एक अच्छे टीचर बनेंगे तो आपके देश के लिए, आपके राष्ट्र के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, आपके समाज के लिए फ़ायदा होगा, हमारे समाज के लिए फ़ायदा होगा, हर चीज़ के लिए फ़ायदा होगा। और हमारा देश एक अच्छा फिर से विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक।